नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, तकनीक से मुश्किल हो तो बंद होना चाहिए। ईवीएम को लेकर दुनिया में आरोप लग रहे हैं, कई देशों में ईवीएम पर आशंका जताई जा रही है। ईवीएम इस्तेमाल के पीछे जिद की वजह क्या है, ये सवाल भी अखिलेश यादव ने उठाया। वहीं आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से हो, ये मांग रखी गई है अखिलेश यादव की ओर से। एलन मस्क के बयान के बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम से छेड़खानी संभव है क्योंकि वो तकनीक पर है और मुमकिन है कि छेड़खानी हो। अब इसी मसले को अखिलेश यादव ने उठाया है, सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर ईवीएम पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम बंद हो जाना चाहिए। ईवीएम का इस्तेमाल आखिर इस जिद के पीछे की वजह क्या है, साथ ही वो ये भी कह रहे कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि यह बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। एलन मस्क के बयान के बाद एक बार फिर भारत में ईवीएम को लेकर संग्राम छिड़ गया है। वहीं राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर फिर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स कहा और कहा कि ब्लैक बॉक्स से तुलना करते हुए कहा कि एक बार ईवीएम में सब बंद तो बंद, कोई उसे चेक नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। एलन मस्क के ट्वीट का जिक्र राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर ये बात लिखी है, ब्लैक बॉक्स से तुलना की है ईवीएम की, वो एलन मस्क के ईवीएम पर सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के बाद ही है।